हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पार्सल क्लास दिस और डॉटनेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ये सब पॉइंट तो पहले लिख दिया है। तो यहाँ पे देखिए, स्प्लिट डेफिनेशन ऑफ क्लास। क्लास का डेफिनेशन है स्ट्रक, इंटरफेस और मेथड का जो भी पार्ट है उसको दो और दो से ज़्यादा सोर्स फाइल्स में डिवाइड करना, ठीक है। और ईच फाइल कंटेन अ ब्लॉक, ब्लॉक कंटेन होता है, सेक्शन कंटेन होता है, मेथड डेफिनेशन एंड All parts are combined when application combined. तो जब ये सारा एक एक पार्ट में ब्लॉक है, कहीं पे मेथड डेफिनेशन है और भी कुछ कुछ पार्ट उसका बटा हुआ रहता है, तो वो जो भी पार्ट अगर वो कंबाइन होता है जब उसको एप्लीकेशन जो भी है उसको रन करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, लार्ज प्रोजेक्ट में और ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि एक ही क्लास के अगर नाम से दिखे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर क्लास को आप स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे यूजर जो होता है मल्टीपल प्रोग्रामर, उसमें एक ही क्लास में उसने काम कर सकता है। जैसे एक पार्ट यहाँ पे डिवाइड कर दिए, पार्सल क्लास एक यहाँ पे है, एक सेक्शन क्लास का यहाँ पे काम कर रहा है कोई यूजर, एक सेक्शन यहाँ पे काम कर रहा है। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, आपको सिर्फ पार्सल क्लास आपको यूज करना, ठीक है। तो ये सब क्या होगा कि अगर प्रोजेक्ट को एक प्रोजेक्ट को अगर कंपाइल कर रहे हैं, तो ये सारा चीज जो भी एक ही क्लास के अंदर है, एक ही क्लास के अंदर के होने की वजह से जब मतलब उतना प्रॉब्लम नहीं होगा कोई चीज को समझने के लिए। और ठीक है, और सिर्फ इसमें क्या करना है, कंबाइन करना है जब जब क्या होगा, कंबाइन होगा जब ये एप्लीकेशन रन करेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे एक लंबे प्रोजेक्ट में और बड़े प्रोजेक्ट में बहुत सारे यूजर इस तरह से काम कर सकते हैं जब पार्सल क्लास का कंसेप्ट वहाँ पे रहेगा, पार्सल क्लास पार्सल मेथड। अब देखिए, जब ये स्प्लिटिंग क्लास क्लास को मतलब बांटते हैं, तो उसके लिए हमको पार्सल कीवर्ड की यूज होती है। चलिए, इसको एक प्रोग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर ले रहे हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पे हम पार्सल कीवर्ड यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे एक क्लास है, क्लास का नाम हम दे रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्राइवेट फील्ड हम ले रहे हैं इंट एक्स इंट वाई, ये भी प्राइवेट ही कर देते हैं int y। अब देखिए, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं पब्लिक फर्स्ट क्लास का, अब इसमें दिस कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। तो दिस कीवर्ड के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि दिस कीवर्ड का यूज क्या है। तो यहाँ पे देखिए दिस डॉट y यहाँ पे, उसके बाद कंस्ट्रक्टर का काम खत्म होने के बाद ये देखिए एक ब्लॉक है यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं int x दो पैरामीटर पास कर देते हैं। तो ये देखिए एक पार्सल क्लास मैंने क्रिएट किया, इसका ब्लॉक यहाँ तक है, ठीक है। जैसे माना कि एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें एक पार्ट ये है, तो एक और इसी में हम एक और पार्सल क्लास क्रिएट करते हैं पब्लिक पार्सल, उसके बाद यहाँ पे क्लास, और यहाँ पे क्लास जो भी है ये दोनों इसका नाम एक ही होना चाहिए। अब इसके अंदर यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए, अब यहाँ पे हम चलिए एक मेथड क्रिएट करते हैं पब्लिक पॉइंट यहाँ पे डिस। अब यहाँ पे हम सिंपल चीज लिखने कंसोल डॉट राइट है, तो यहाँ पे x इक्वल टू प्लस x y इक्वल टू प्लस y, ठीक है। यहाँ पे x और y का वैल्यू हम डिस्प्ले करेंगे। तो ये देखिए एक और ये क्लास है यहाँ पे, यही पार्सल है। सबसे पहले यहाँ पे एक्सिक्यूट करके देख लेते कोई एरर है कि नहीं, यहाँ पे देखिए कोई एरर नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ पे पार्सल क्लास का यूज करके आप फर्स्ट क्लास का जो पार्ट है एक एक सेक्शन में डिवाइड करके बहुत सारा इसका पार्ट
लिख सकते हैं, और जैसा अगर प्रोग्राम में उसकी जरूरत रहती है उसको कॉल कर सकते हैं, और ये जब भी रन करेगा ये सारा कंबाइंड होगा जब एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो भी एक क्लास, ये एक ब्लॉक ये है, यहाँ पे एक ब्लॉक ये है। तो चलिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए। सबसे पहले आपको आउटपुट दिखा दें। यहाँ पे फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट हम F1 क्रिएट करें, यहाँ पे न्यू फर्स्ट। अब यहाँ पे हम दो पैरामीटर पास करें, 12 और 3। उसके बाद यहाँ पे F1 डॉट और डिस्ट मेथड को कॉल करें। तो यहाँ पे चलिए एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 12 और 3 ये डिस्प्ले है। अब देखिए प्रोग्राम कैसे वर्क करता है ये सबसे पहले यही बता दें। तो यहाँ पे डिबग कीजिएगा कंट्रोल, मतलब डिबग कीजिएगा कोड का, तो कंट्रोल मेन मेथड पे आएगा, उसके बाद यहाँ पे अंदर आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने F1 क्रिएट किया, उसके बाद न्यू फर्स्ट। तो न्यू फर्स्ट है ये कंस्ट्रक्टर जो कि दो पैरामीटर का ये कॉल होगा। तो इस कोड में ये कंस्ट्रक्टर को खोजेगा। तो यहाँ पे देखिए इसको मिल गया कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे दो पैरामीटर वाला। तो यहाँ पे x का वैल्यू जो हो गया ये 12 हो गया, और फिर यहाँ पे y का वैल्यू हो गया ये 3 हो गया। उसके बाद ये x जो रिलेटेड है ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये x का वैल्यू यहाँ पे दिस डॉट x में जाएगा, और ये y जो है इससे रिलेटेड है। तो ये y का वैल्यू यहाँ पे 3 है, ये दिस डॉट इसमें जाएगा। उसके बाद इसका काम तो खत्म हो गया और कंस्ट्रक्टर का। उसके बाद यहाँ से कंट्रोल बैक हो जाएगा। बैक हो जाने के बाद यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे नीचे आया। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट F1 है जो कि डिस्प मेथड को कॉल कर रहा है। तो डिस्प मेथड के पास कंट्रोल यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अंदर आने के बाद कंसोल डॉट राइट लाइन, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये देखिए ये एक्स इससे रिलेटेड है, तो ये एक्स का वैल्यू यहाँ पे इसमें है। x का वैल्यू यहाँ पे 12 है, y का वैल्यू यहाँ पे और 3 है, ये डिस्प्ले होगा, उसके बाद ये बैक हो जाएगा। और देखिए क्या होता है कि यहाँ पे हम प्राइवेट लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पब्लिक दिए, यहाँ प्राइवेट दिए। अब देखिए इसको एक्सिक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए एरर आ रहा है, तो यहाँ पे एरर मैसेज ये आ रहा है, एलिमेंट डिफाइंड इन अ नेम स्पेस कैन नॉट बी explicit declaration as a private protected or protected internal। तो ये तीन चीज नहीं होना चाहिए यहाँ पे, private protected protected internal। यहाँ पे अगर ऐसा देते हैं, अगर यहाँ पे देख लिए private यहाँ पे भी देते हैं, दोनों ही private डाल दिए, फिर से execute कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी error आ रहा, वही चीज आ रहा। तो यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ पे public, तो एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ आपको आपको पब्लिक डालना है, ठीक है। पब्लिक डाल देते हैं, और देखिए एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। और दूसरा चीज बता रहे हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे अगर क्लास का नाम कुछ भी आप चेंज कर देते हैं, यहाँ पे ये फर्स्ट क्लास है, इसका ये अलग, अब ये क्लास अलग ही हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट क्लास है, ये फर्स्ट क्लास 1 है, तो दोनों अलग अलग चीज होगी। तो यहाँ पे भी एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे देखिए एरर आ रहा है, इस तरह का XY doesn't exist, इस तरह का। इसका मतलब पार्शियल क्लास में आधा एक यहाँ पे पार्शियल क्लास अगर दे दिए, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्लास का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे है, थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे है, फिर एक पार्ट और लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे एक पार्ट और लिखते हैं। तो देते हैं फिर से पब्लिक पार्सियल, यहाँ पे चलिए पार्सियल नहीं देते हैं, यहाँ पे फर्स्ट और डायरेक्ट दे रहे हैं। और यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है। यहाँ पे देखिए मैसेज, एरर मैसेज है, और मिसिंग पार्सियल मॉडिफायर डिक्लेरेशन टाइप कंसोल अनदर पार्सल डिक्लेरेशन ऑफ दिस, पहले से ये क्रिएट किया गया है क्लास का यहाँ से। तो अगर आप क्लास अगर पार्सल यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं, तो उसी नाम से आप एक और क्लास नहीं क्रिएट करते, यहाँ पे आपको पार्सल देना पड़ेगा, तो यहाँ पे पार्सल दे दिए, ठीक है।
यहाँ पे पार्सल क्लास जो भी पार्ट है, अब इसका हम थोड़ा सा डेफिनेशन लिखते हैं। यहाँ पे एक मेथड तो क्रिएट कर रहे हैं पब्लिक वॉइड और सो मेथड। उसके बाद यहाँ पे एक इंटीजर सी वेरिएबल ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कंसोल डॉट राइट लाइन यहाँ पे मैसेज प्रिंट करेंगे मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू यहाँ पे सी का वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो अब देखिए एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये आउटपुट डिस्प्ले नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने कॉल ही नहीं किया सो मेथड को। तो यहाँ पे F1 यहाँ पे सो कर दिए। अब देखिए एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 12 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 36। तो इस तरह से यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू प्रिंट कराए, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किए। अगर प्रोग्राम में किसी और चीज का जरूरत होता है, सिर्फ आपको पार्सल क्रॉस करके आपको जो भी इसमें डेफिनेशन और ब्लॉक ऑफ कोड जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। ये काफी अच्छा कंसेप्ट है कि आपको दूसरे क्लास का नाम नहीं देना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आप एक ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए और उसको कॉल कीजिए, दूसरा क्लास कोई ये नहीं है, जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए एक पार्ट ये हो गया क्लास का, एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक पार्ट ये हो गया, तो तीन पार्ट हो गया। अगर तीन से ज्यादा भी यूज कर सकते हैं, जैसा आप मतलब प्रोजेक्ट में लॉजिक होता है यूज होता है। ये मैंने प्रोग्राम के थ्रू आपको समझा दिया कि पार्सल क्लास क्या होता है, ठीक है। पार्सल क्लास होता है कि क्लास को डिस्ट्रीब्यूट करना, स्प्लिट करना मेनी सेक्शन में। और वहाँ पे देखिए यहाँ पे सेक्शन में मेथड डेफिनेशन और ऑल पार्ट्स जब रन होगा तो सारा पार्ट यहाँ पे कंबाइंड होगा। और यहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट में जरूरी होता है कि मान लिया कि देखिए यहाँ पे एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे एक यूजर को हम दे दिए कि देखो ये काम तुमको यहाँ पे करना है, ये फर्स्ट एक पार्सल क्लास क्रिएट करो और ये तुम इतना ये काम इसके अंदर करो, ठीक है। और दूसरे यूजर को हम दे दिए ये, ठीक है। और जब सारा वर्क काम हो गया तो उसको वहाँ प्रोजेक्ट में लाइए और उसके बाद कंबाइंड करके एग्जीक्यूट कीजिए। ये सबसे अच्छा मतलब बेनिफिट है पार्सल क्लास का। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों यूज करते हैं पार्सल क्लास का। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।